हर हर महादेव, हर हर महादेव। हो गया आप लोगों को घूमने आना? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड एंड वी आर स्टार्टिंग आवर डे 3 जर्नी राइट नाउ। इट्स अराउंड 8 इन द मॉर्निंग एंड प्रोबेबली द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट of our entire tour. We are standing right now at Kedarnath starting point. Kedarnath starts from here. It's around 16 kilometers of trek. It's gonna be a hectic one for all of us. Let's see who can survive and stay fit till the end. Boys are really pumped up and they're walking really very fast. And here you go, Shushobhan and the most important guy of our trip, Sanjay. We are just 16 kilometers away to our dream destination, that is Kedarnath. Let me ask you an important question. For a beginner like me, what are the key points that one need to keep in mind while doing Kedarnath trek? Stay hydrated. That's it. Like the main thing is, parvat tere andar hai. That's the main thing. Jab tak aap mentally strong nahi ho, fit nahi ho, pura karna mushkil hai. Let's see how it goes. Really, we are very much pumped up and excited. Super excited, I must say. Lathi lago, lathi lago. 16 kilometer trek complete karne ke liye, aapko ye lathi ki zarurat padegi raaste pe. 30 rupees bhaada hai iska. हाँ, चढ़ाई की पहली सीढ़ी है, उतराई की लास्ट सीढ़ी है। लाइए, दुकान याद रखिए, बिस्ट शॉप, लाठी वाले बिस्ट, लाठी वाले बिस्ट शॉप। तो ये अच्छे से एकदम ग्रिप वाला आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो रास्ते पे अगर ये टूट गया तो प्रॉब्लम, दिक्कत आ सकती है। लाइक दिस, आई टुक दिस वन, इट इज रियली अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप। रेडी, आर यू एंजॉयिंग योर बैचलर ट्रिप? रियली इट्स गोना बी अ फन। बोलते बोलते हम लोग ये गौरीकुंड का स्नान घाट पे आ गए। आप नीचे देख रहे हो, वहाँ दूर तक आपको दिखाई देगा और वहाँ पे ये हॉट स्प्रिंग है। तो लोग जब केदारनाथ ट्रिप कंप्लीट करके आते हैं तो यहाँ पे आके आप लोग नहा सकते हो और जो फैटिकनेस, टायर्डनेस है वो आप दूर कर सकते हो। रियली यू कैन सी द वाटर इज सो टर्बुलेंट हियर। एकदम करेंट देखो एक बार कितना स्ट्रांग है। कैमरा संभाल के हाथ में रैप कर ले। यहाँ से एक्चुअल केदारनाथ ट्रेक स्टार्ट होता है। ये लाठी को छोड़ के ये जूता का ग्रिप अच्छा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रांड है केचुआ एंड इसका वाटरप्रूफ और जो ग्रिपिंग क्वालिटी है वो ये सब ट्रेक के लिए एकदम परफेक्ट है। तो केदारनाथ के रास्ते पे आप लोगों को ऐसी छोटी मोटी बहुत सारा वाटरफॉल्स दिखने को मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारा है ऑन द वे। वो देखो आगे भीड़ देखो। इन द मीन टाइम वी आर गेनिंग सम मिथोलॉजिकल नॉलेज फ्रॉम संजय। ही इज शेयरिंग हिज आइडिया एंड थॉट्स अबाउट हाउ द रुद्रप्रयाग नेम केम। Gaurikund is important and how Triyuganaran is important in mythology. और मिथोलॉजी में आप लोगों को इंटरेस्ट है तो क्या बात है कि सीधा गूगल कर लो, वहाँ पे आप लोगों को सब मिल जाएगा। मेरे को कॉन्टैक्ट, इसको कॉन्टैक्ट मत करो। आप ऊपर जाने के लिए ये पौनी या घोड़े का भी हेल्प ले सकते हो। इसमें आप आराम से 4-5 घंटे में पहुंच जाओगे। मेरा बहुत एक बुरा एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग दिस पोनी राइड। बहुत साल पहले कश्मीर गया था तो वहाँ पे ये घोड़े पे चढ़ के मेरे पीठ पे 7 दिन तक दर्द था। रुक रुक के जाऊँगा तो भी ठीक है, पर घोड़ा तो नहीं करने वाला हूँ। एंड बोलते बोलते दूसरा वाटरफॉल्स भी आ गया। ऐसे बहुत सारे रास्तों पर आपके वाटरफॉल्स दिखेगा एंड आई विल ट्राई टू कवर देम ऑल। ये पानी के ऊपर से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी। जूता तो फुल वाटरप्रूफ है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा बहुत तो वो एडवेंचरस फीलिंग आ रहा है। रेनबो दिख रहा है, रेनबो कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। सो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर डन। सो इट्स 14.5 किलोमीटर। 2 किलोमीटर आते आते इतना गर्मी लग गया कि जैकेट लिटरली खोलना पड़ा। तेरे को अगर घोड़ा चाहिए बोलेगा तो तेरे को लात मार दूंगा। तो मैं संजय और सुभाजी डिस्कस कर रहे थे थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा ले लो बट केदारनाथ में लैंड करवा दो भाई, लैंड करवा दो। एक चीज़ अच्छी बात है, यहाँ पे रास्ते पे आपको बहुत सारा डस्टबिन और सुलभ शौचालय मिलेगा। तो प्लास्टिक वगैरह जो भी है सब कुछ यहाँ पे डंप करना, कहीं पर भी डंप मत करो। पानी कितना ठंडा है, माय गुडनेस बहुत ठंडा है। थैंक यू फॉर दिस। सो जब केदारनाथ पे चढ़ रहे हो थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट ये चॉकलेट साथ में ज़रूर रखना, क्योंकि ऊपर खाने का दुकान तो मुझे बहुत कम दिखा। एट द सेम टाइम जो खाने का प्राइस रहेगा वो बहुत महंगा रहेगा। चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट और ये सब लेके चढ़ो और बात करते करते उठो, आराम से पहुंच जाओगे क्या है उसमें। सो वी स्टार्टेड अराउंड 8 or 8:15, सो राइट नाउ इट्स लाइक 9 एंड वी कवर्ड ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स। सो नॉट बैड, इम्प्रेसिव। पूरा साइन बोर्ड लगा हुआ है
ये जंगल चट्टी भीमवली बिग लिंचोली कितना दूर है, कैन यू विजुलाइज दोस्त? यस, दोस्त आर द स्नो पिक्स। एंड सुनने को आया है कि लाइक दो तीन दिन पहले वहाँ पे भारी स्नोफॉल हुआ है। फर्स्ट व्यू ऑफ द स्नो पिक ऑन द वे टू होली केदारनाथ टेम्पल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हो गया आप लोगों को घूमने आना? हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव। फिर से बैठ गए तुम लोग, इतना पीछे चल गए थे हम तो आधा। हम लोगों का हालत नहीं है तो हम लोगों के लिए बनता है, और तेरे को क्या हुआ? तुम लोगों के लिए वेट कर रहे हैं। संजय प्लीज लेट अस नो, इज देयर एनी एडवांटेज टू कैरिंग लाइक टू स्टिक्स? मोस्टली इंडियंस कैरी वन स्टिक ओनली, फॉरेनर पीपल कैरी बोथ, बट या टू स्टिक्स इज एडवांटेज। आई हैव अ इशू विद माय टो, सो दैट्स व्हाई आई एम And another important aspect, you must apply sunscreen. इतना जरूरत नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके दोनों में डिवाइड कर लो। नहीं लगा लो सनस्क्रीन। कितने का लिमो बनी? 30। सो ये दो नी कैप काम में आ रहा है? बहुत काम में आ रहा है। बट अगर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्यों पहन रहे हो? प्रॉब्लम तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन सपोर्ट्स में मिल जाता है। In 1 kilometer, I am seeing at least 3 toilets. So, अच्छी बात है ना कि like within every 1 kilometer, 2 से 3 सुलभ शौचालय है, तो it's like a big thing. इतना ब्रेक मत लो बीच बीच में, नहीं तो पहुंचने में शाम हो जाएगा। चॉकलेट क्या? ये क्या लिया? निमकी आलू का है, वहाँ दिखाना है, वहाँ दिखा क्या चाहिए? आलू पकौड़ा, निमकी, बिस्किट वगैरह सब कुछ मिल रहा है रास्ते पे। एंड द थिंग इज, दिन जितना बढ़ रहा है सूरज का प्रकोप भी इतना ही बढ़ रहा है, और मैंने ऊपर का ये शर्ट भी उतार दिया। दूर से रास्ता दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट बहुत ही स्टीफ है। एंड मेरा सजेशन वही रहेगा कि जितना हो सके सुबह जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, अराउंड 4:30, 5, 6, मैक्सिमम 7 के अंदर स्टार्ट कर जाओ। हम लोगों का ग्रुप थोड़ा बड़ा था, तो ब्रेकफास्ट, थोड़ा पानी, फूड ये उठाने के चक्कर में ऑलमोस्ट वी स्टार्टेड अराउंड 8:30। ये मत करो, क्योंकि धूप जितना बढ़ेगा उतना ही चलना मुश्किल हो जाएगा, और उतना ही ज़रा तुम ब्रेक लोगे और वहाँ पहुँचने में टाइम लग जाएगा। सो प्लीज़ कीप इन दैट माइंड इफ यू आर कमिंग टू केदारनाथ इन नियर फ्यूचर। चलो चलो आपको। So it's time to have some tea break. 15-20 मिनट ब्रेक लेके फिर से चलना स्टार्ट करूँगा। सो फॉर ऑल गुड, सो वेरी गुड। तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बोलता हूँ, वो जो रास्ता आपको दिख रहा है वो ज़िगज़ैग रास्ता, वो एक रास्ता है केदारनाथ पहुँचने का, और हम लोग जिस रास्ते पे है सीधा ये रास्ते से भी आप केदारनाथ पहुँच सकते हो। उधर 2 किलोमीटर ज़्यादा है, और बहुत सारे लोग वहाँ से घोड़े लेकर भी वापस आ रहे हैं, तो इट्स योर चॉइस। तो वहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर वहाँ पे डिपॉजिट हुआ है, तो मानसून सीजन में ये पूरा पानी ही पानी रहता है, अभी पूरा सूख गया है। सप्तर सिंह तुम नीचे गए थे राइट? Yes. तो वहाँ से टाइम लैप्स कैसे आया फोन पे? टाइम लैप्स नहीं है। तो व्यू अच्छा आ रहा है ना? तो वही बोला आप लोगों को कि और भी आगे जाके नज़दीक से व्यू और भी अच्छा दिखेगा, अभी तो चलते रहो चलते रहो। इट्स ओनली अराउंड 6 to 6.5 kilometers वी हैव कम्प्लीटेड। 7 डन? ओके, दैट्स अ गुड न्यूज़, द 7 kilometers आर डन, सो इट्स ओनली अबाउट 9 kilometers। एंड कभी बीच पे हम लोग रुक के लंच भी करने का प्लान है, या आगे ही लंच करेंगे। बहुत धूप है। तो आप लोगों को जो दूर से व्यू दिखा रहा था उसका एकदम नज़दीक हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। पानी कितना तेज बह रहा है, जस्ट देखो। That disaster happened, Mandakini flowed through this height. So you can compare, you were saying that this is vast and this is dangerous looking. तो वही डिस्कशन चल रहा था बाकी लोगों से। संजय वाज टेलिंग दैट इफ यू फाइंड सच डॉक्यूमेंटरीज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग 2013 क्लाउड बर्स्ट एट उत्तराखंड, यू कैन विजुअलाइज एंड हैव एन आइडिया कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, लोगों ने क्या फेस किया था। उसके बाद बहुत सारा स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया,
ये भी बोला जाता है कि ट्रेक का जो डिस्टेंस था ये पहले 16 किलोमीटर नहीं था, ये जो डिजास्टर हुआ उसके बाद ये ट्रेक का ड्यूरेशन और डिस्टेंस और भी बढ़ गया। थोड़ा पैसा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, आई कैन डू इट। द व्यू पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू शोकेस यू ऑन फ्रॉम द टॉप, उसके ठीक सामने मैं खड़ा हूँ और आप देख सकते हो पीछे ये ब्यूटीफुल पिक्चरेस्क लैंडस्केप। पानी कितना तेज बह रहा है, जाना तो मुश्किल है बट ऊपर से ही दिखाता हूँ। और ऊपर थोड़ा थोड़ा क्लाउड डिपोजिशन भी हो रहा है। क्लाउड डिपोजिशन होने का मतलब है पीछे केदारनाथ पहुँच के जो भी पिक्स रहेगा वो विजिबल नहीं रहेगा। सो दैट्स सम सॉर्ट ऑफ बैड न्यूज़ यू कैन से फॉर ऑल ऑफ अस। एंड सेकेंडली, अभी यहाँ पे जाने का मतलब है और टाइम वेस्ट होगा। ऑलरेडी इट्स अराउंड 12:45 इन द आफ्टरनून। कैसे भी करके 4, 4:30 या 5 बजे के अंदर केदारनाथ पहुँचना ही है अगर इवनिंग का व्यू पॉइंट चाहिए और पूजा देना है तो। इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 9 किलोमीटर्स कवर्ड, तो 7 किलोमीटर्स रिमेनिंग। एंड आई थिंक बींग अ बिगिनर आई हैव कवर्ड प्रिटी वेल। पेस अच्छा बना के रखा था, जस्ट मेंटल स्ट्रेंथ रखो कि हाँ कर सकता हूँ। जो विल पावर है वही सब कुछ है। लग रहा है सप्तर्षि का अहम ब्रह्मशमी मोड ऑन हो गया। चलो आ जाओ। एज यू कैन सी चढ़ाई अभी बढ़ने लगा है एंड लिटरली वी आर गैस्पिंग। इतना स्टीप नहीं है, चढ़ाई है, पूरा चढ़ाई है बट ये जगह कुछ ज्यादा ही है। हाँ, लाइक फॉर द रिवर हम लोग नीचे आए थे ना, हाँ, तो इसीलिए चढ़ाई तो करना पड़ेगा। किलोमीटर कितना बाकी है वो देखा, मैं चौक गया लिटरली। मतलब इतना दूर चलने के बाद भी अभी भी दिखा रहा है इट्स अराउंड 8.5 किलोमीटर। सीरियसली? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। ये देखो टेम्परेचर कैसे ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, ठंड लग रहा है फिर से। सीरियसली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अभी थोड़ी देर पहले इतना गर्मी लग रहा था, सडनली आई एम फीलिंग कोल्ड। लगता है जैकेट फिर से पहनना पड़ेगा। और इधर देखो लोग कैसे कैसे शॉर्टकट मार रहे हैं, ये रास्ता छोड़ के ऊपर से शॉर्टकट मार रहा है। इट्स स्लाइटली रिस्की आई विल से बट ठीक है, अगर इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन डू इट। हम लोग तो यही रास्ते पर चले गए। तो ये ठंडे ठंडे मौसम और उसके साथ एक गर्मा गर्म आलू पराठा, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है। यही हम लोग का आज के लिए लंच है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा देर टाइम वेस्ट कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जल्दी जल्दी खा लेते हैं इसको। गुड मॉर्निंग। गर्म है अभी, अच्छा लग रहा है, ठंडा हो जाएगा तो एकदम खराब हो जाएगा। लिटरली आई एम फ्रीजिंग, तो फिर से जैकेट पहनना पड़ा। तो अभी कितना और है ऐसा स्टीफ है रास्ता? ऐसा तो फुल मिलेगा आपको। कल उधर बर्फ गिरा था, टेम्परेचर दिख रहा था इट्स अराउंड -2 डिग्री समथिंग। कल था, कल बर्फ गिरा था ना, बहुत सुंदर दिखा, सुंदर दिखा ना एकदम। चलो थैंक यू। तो जिसका हम लोग का डर था वही हुआ, बारिश स्टार्ट हो गया। बारिश होगा तो रास्ता भी स्लिपरी हो जाएगा और आगे पहुँचने में भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाएगा और टाइम ज़्यादा ले लेगा। ये देखो हल्का फुल्का बारिश चालू है, वो रेन क्लाउड देख रहे हो आप। फिंगर्स क्रॉस कि जल्दी से जल्दी बारिश स्टॉप हो जाए। वैसे दिक्कत नहीं है, हम लोगों के पास रेनकोट है सो नो इश्यूज। या दैट विल बी बेटर। 5-10 मिनट वेट करके फिर निकलते हैं। तो अभी हम लोग के ग्रुप में 1, 2, 3, 4 और मेरे को मिला के 5 लोग है और बाकी के 5 लोग कोई शॉर्टकट लिए और बहुत आगे जाके वेट कर रहे हैं हम लोगों के लिए। समबडी हैज़ रिटन इट राइट, पर्वतीय मार्ग है, कृपया देखभाल करके चले, सुरक्षित चले। सो योर सेफ्टी शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। कोई जोखिम कुछ नहीं लेना है, थोड़ा लेट से भी पहुँचोगे तो चलेगा बट सेफ्टी शुड बी योर फर्स्ट कंसर्न। लास्ट में छाता खोलना ही पड़ा और कोई उपाय नहीं है, बारिश भी तेज़ हो रहा है। रिजय भी अपने आप को पूरा रेनकोट से ढक लिया है। देख के सीरियसली हंसी लग रहा है। स्वैग तू। तुम्हारा रेनकोट पहनते पहनते ये बारिश खत्म हो जाएगा। चलो इट सीम्स इट्स अ नेवर एंडिंग स्ट्रगल फॉर डीजे। चलो तो अभी हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बनाया, क्या है कि थोड़ी थोड़ी देर चलने के बाद 30 सेकंड का छोटा सा ब्रेक लेके उससे क्या होगा आगे चलने का एनर्जी भी मिल जाएगा और टायर्ड भी नहीं फील करूँगा। ये अच्छा है पहाड़ियों में जब चल रहे हो। तो बारिश अभी रुक गया है एंड वी स्टार्टेड वॉकिंग अगेन
एंड एज पर संजय अजम्पशन यहाँ पे घर दिख रहा है आपको, उस वो पहाड़ के पीछे एक्चुअल केदारनाथ का मंदिर है, राइट? नॉट अजम्पशन, आई एम श्योर, श्योर श्योर राइट। ये सामने वाला पहाड़ चढ़ना है, दिखने में तो पास में ही लग रहा है। नहीं पास नहीं है, 3 किलोमीटर होगा लगभग। लेट्स सी। और ये देखो हेलीकॉप्टर जा रहा है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, लाइक आफ्टर एवरी 10 मिनट्स आई एम सीइंग दैट वन हेलीकॉप्टर इज लाइक गोइंग अप एंड डाउन। बुजुर्ग लोग है, बच्चे लोग है, उन लोगों के लिए हेलीकॉप्टर ठीक ही है, हम लोग अभी यंग है, चलते हैं। एक 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 टाइम पे तो मैं संजय को बोल रहा था चल हेलीकॉप्टर कर लेते हैं, बट उसने मेरे को पुश किया। हेलीकॉप्टर में वो बात नहीं है, मजा नहीं है, ठीक है, बट मेरा सजेशन किया था कि एक राउंड हेलीकॉप्टर पे मारेंगे और आने के टाइम पैदल आएगी क्योंकि डाउन हिल है। बाद में अगर पेरेंट्स के साथ आते हैं तो डेफिनेटली हेलीकॉप्टर से कभी आएंगे। दिस वन ऑल्सो स्टिल वेरी मच एडवेंचरस आई मस्ट से, मतलब मैं ही इसके खिलाफ था, मैं ही हेलीकॉप्टर में पक्ष में था, बट मैं ही बोल रहा हूँ इसमें मजा बहुत ज्यादा है, थोड़ा फटता है इसलिए मजा ज्यादा आता है। तो ये बता दो और कितना दूर जाना पड़ेगा? 6 किलोमीटर सर और जाना पड़ेगा। तो वहाँ से मैं सुन रहा हूँ 6 किलोमीटर और कितना देर भगाओगे? यहाँ से 6 किलोमीटर है सर आपको। और ऐसे पूरा अपहिल है? हाँ, इससे भी ज्यादा ही है, ऐसे सीधा ही है। तो आज ही गए थे, आज ही गए, आज ही आगे हैट्स ऑफ आप लोगों को, ठीक है, थैंक यू। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। सो इट्स अराउंड 5 PM, मतलब आप मानोगे नहीं, हम लोगों ने क्रॉस वेरीफाई किया, बाहर साइन बोर्ड पे बोलने के लिए और लिखने के लिए लिखा है इट्स अराउंड 16 किलोमीटर, बट लिटरली इट इज मोर देन 20 किलोमीटर। वी आर स्टिल 2 to 3 kilometers बिहाइंड, राइट रिजॉय? 3.5, ओ माई गुडनेस। वो इधर अच्छा है, प्रेटी कूल है, तो हम लोग कर सकते हैं, पापा भोलेनाथ की कृपा में हो जाएगा। चलो frankly speaking, I am literally feeling completely down, energy level completely exhausted. तो सीधा आप लोगों से मिलता हूँ केदारनाथ में होटल में पहुँच के। So just check inside in this hotel like 2.5 hours before and we have adjusted 5 people in this small room. But you must have understood what the temperature is like after seeing my outfit. It's freaking 0 to 1 degree Celsius at Kedarnath. Oh my God. और आज के लिए ब्लॉग को यहीं पर रैपअप करते हैं, हम लोग टायर्ड भी है और सुबह मंदिर पे जाके पूजा भी देना है। बट बिफोर रैपिंग इट अप, वी ऑल हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू द केदारनाथ टूरिज्म, प्लीज फॉर गॉड सेक प्लीज डोंट कीप मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन लाइक फ्रॉम गौरीकुंड टू केदारनाथ इट्स अराउंड 16 किलोमीटर्स। इट्स नॉट लाइक दैट, वी ऑल नो प्रीवियसली इट यूज टू बी बिफोर दैट 2013 नेचुरल डिजास्टर इशू, एंड व्हेन वी मेजर्ड वी फाउंड इट्स लाइक एग्जैक्ट 21.75 किलोमीटर। सो प्लीज update it so that the other tourists make themselves aware. So milte hai kal subah, good night.